फ्रूट मैकेनिक्स के अंदर आज हम लोग एंट्री मारेंगे। जोरदार चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पहली बार सुनी, पहली बार देखी, पहली बार पढ़ी वाली, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, सुन लो। फ्लूड्स के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो फ्लो करता है। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज विच कैन फ्लो इज अ फ्लूड, जो फ्लो कर सकती है वो क्या है, तो लिख लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूड। दुनिया में सब कुछ जो बहता है वो फ्लूड होता है। Anything that can flow is a fluid, ठीक है। Next line में point wise लिख लो fluids के बारे में। They have a definite volume but not a definite shape. Definite volume तो होता है but नो डेफिनेट शेप, ठीक है। इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, यही समस्या होती है इसके साथ। इसके अलावा तुम लोगों ने सुना होगा फ्लूड्स के लिए या लिक्विड्स वगैरह के लिए कि ये कंटेनर का शेप ले लेता है, लेते हैं कि नहीं, तो लिख लो, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। Takes the shape of the container in which they are kept. In which they are kept. In which they are kept. Next point. It flows under its own weight. It flows under its own weight. अपने ही बोझे के तले बह जाता है ना। इंसानों के साथ भी यही होता है कि नहीं, अपने ही जो कर्म के बोझ हैं उनके तले क्या होते हैं, ऐसा ही पानी के साथ भी है, या मतलब फ्लूड्स के साथ भी है। उनका जो खुद का जो वेट है उसी वाले वेट के कारण ये लोग क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब तुम ऐसे थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो क्या बहाने के लिए पानी को, नहीं लगाते ना, पानी डालो अपने आप बहने बहाने लगता है। अब ऐसे इमोशंस के साथ है जबरदस्ती बहने लग जाता है, होता नहीं है कई बार। कल जैसे वीडियो चल रहा था बढ़िया एकदम, अब वो वीडियो चलाओ 2007 की जर्नी दिखा रहे थे, साला आंखों में आंसू आए जा रहे, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मजे नहीं, तुम लोगों को मजा आ रहा था ना, आई हैव बीन थ्रू दैट। तो इसलिए मेरे को तो ऐसा लग रहा था अरे यार व्हाट अ टाइम इट वाज, वो टाइम था, अब देखो अब ये टाइम है। तो कहां से आप लोग कहां तक पहुंच गए इतनी सारी मेहनत करके, वो चीजें जब नजर आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पीछे से ट्यूनिंग वाली चल रही थी साली, वो वैसे ही इतनी खतरनाक रिंगटोन है ना, तो जैसे भावनाएं बहती हैं वैसे ही और कौन बहता है, फ्लूइड्स बहती हैं। अपने ही वजन के तले, अपने ही बोझे के तले चीजें जो है वो बह निकलती हैं, बोलो है कि नहीं। इसी प्रकार से क्या क्या चीजें फ्लूइड्स में आती हैं अगर अपन बात करें, तो सभी लिक्विड्स और कुछ गैसेस, नॉट ऑल, तो लिख लो, ऑल लिक्विड्स एंड सम गैसेस, ऑल लिक्विड्स एंड some gases form fluids, form fluids, ठीक है। अरे लिखा, चलो अब देख, जो अपन फ्लूइड्स के अंदर जो अपन बेसिक ब्रांच की जो बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। क्या बोलते हैं अपन इसे, हाइड्रोलिक्स। तो जो हाइड्रोलिक्स नाम की जो चीज है ना, उससे कई पार्ट्स किए गए। हाइड्रोलिक्स को अपन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो क्या आ गया, स्टैटिक फ्लूइड। कैसा फ्लूइड आ गया, स्टैटिक फ्लूइड मतलब रुका हुआ पानी। कैसा पानी बेटा, रुका हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, मन में हलचल सी, वाह वाह, मतलब तुम सुनते हो इस प्रकार के गाने। अच्छा, मेरे को तो लगा अभी बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे कैसे गानों की बातें कर रहे हैं, है ना। तो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, रुका हुआ पानी। सबसे पहले एकदम प्रॉपर रुका हुआ पानी।
इस प्रॉपर रुके हुए पानी के बाद जब हम लोग आते हैं स्टैटिक के अंदर ही, तो हम बोलते हैं रुका हुआ विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, बट क्या हो गया तेरे को, बट कंटेनर इज मूविंग। ठीक है, कई बार होता है ना, हम मैं तो ठहरा रहा जमीन, तो यहां भी वही हो गया। तो यही तो हुआ यार, अपन तो रुके हुए हैं और जमीन तो चली रही होती है, क्यों? अर्थ की ओमेगा जानते हो ना क्या होती है? क्या होती है? ओमेगा, वाह, है ना। और तीसरा इसके अंदर क्या आ जाता है तुम्हारा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायंसी वगैरह के नाम से। ठीक है, इसमें पास्कल्स लॉ वगैरह इट इज आल्सो इंक्लूडेड, जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इस तरह की कहानी होती है आपकी स्टैटिक फ्लूइड की। बना लिया? स्टैटिक फ्लूइड हो गया आपका। यार तुम एक तो काम बहुत धीरे करते हो यार, है ना। बी अ फास्ट टाइप ऑफ छपोड़ा ना। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो? डायनामिक बोल लो या फिर क्या बोल लो? फ्लोइंग फ्लूइड बोल लो, है ना। चलता नहीं बेटा, बहता हुआ। पानी चलता नहीं है, पानी क्या करता है? बहता है। बहने दे मुझे, बहने दे। आओ राखी बांधे। बहने दे क्या? क्या आपको भड़का रहा है? मेरे को भड़का रहा था ना। अरे यार, शादी के लिए लड़की होना ही आवश्यक है ना। लड़की होना मतलब लड़की से शादी होना। मुर्गी से तुम ही करना बे। जल्दी से, स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड के अंदर बहता पानी, स्टैटिक फ्लूइड में रुका पानी, रुका हुआ पानी, एक बार खाली रुका हुआ पानी, एक बार रुका हुआ विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, परंतु कंटेनर चल रहा होगा मतलब मैं ठहरा रहा जमीन, चलने लगी। और इसके बाद क्या आ गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायंसी। और इसके अंदर और क्या आ जाता है? पास्कल्स लॉ। ठीक है, फिर अपन लोग आते हैं डायनामिक फ्लूइड के ऊपर। इसके अंदर पानी को बहा देते हैं, पानी को बहाने के बाद अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम सबको याद होगी? याद है? टी प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, कुछ भी नहीं यार, वो कांस्टेंट होता है ना। ये इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब प्लेन का उड़ना और ये सारी चीजें सब इसी के थ्रू होती हैं, है ना। बर्नौली अगर नहीं होते तो शायद प्लेन भी नहीं उड़ा पाते। ठीक है, बर्नौली ने नहीं उड़ाया प्लेन, बट उसकी एप्लीकेशन से अपन लोगों को पता लगा, है ना। तो ये सब चीजें है, चलो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में अपने को सबसे पहले जिस चीज के बारे में जानना होता है, दैट इज डेंसिटी। किस बारे में जानना होता है? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब टर्म सुने हैं? अब ये टर्म्स आते हैं ना तो तोते उड़ जाते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो आप लोगों को पता ही नहीं लगता व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। पता है क्या? कोई बात नहीं, केमिस्ट्री वालों ने थोड़ा बहुत सिखा दिया होगा तुम्हें। हम अपन फिजिक्स में सीखे हैं, तो हेडिंग डाल लो डेंसिटी, हेडिंग डाल लीजिए डेंसिटी। और डेंसिटी के बाद वी विल मूव ऑन टू प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी बोलो क्या होती है? डेंसिटी की डेफिनेशन, हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लिख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रो से, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट वोल, अरे यूनिट वोल, यूनिट सोच रहे हो क्या? केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, ये ऐसा यूनिट हो गई है तो सीजीएस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे जानते हो कि नहीं? बोलेंगे कैसे इसे? क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक, केजी पर क्यूबिक मीटर, पढ़ा ऐसे जाता है, समझ गया ना, पढ़ने का तरीका। तो कई जगह आपको सेंटीमीटर क्यूब की जगह ऐसे मिलेगा सीसी क्यूब, तो आप समझ जाओगे। वेरी गुड। हाँ, तो इसका क्या मतलब फिर? ये कई बार है ना, ये थ्री लगाते भी नहीं है,
इट मींस व्हाट, क्यूबिक सेंटीमीटर, और या फिर कैसे लिख लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया ना? तो इस तरह से अगर लिखा हुआ मिले तो डरना मत, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, डेंसिटी, है ना। ये क्या लिखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर वो थ्री उड़ा देते हैं। समझ गए? डायमेंशन बोल, ML माइनस थ्री, बोल होगा कि नहीं? बोल क्या, इस यूनिट में, इस यूनिट में, इस यूनिट में, सब में सेम होंगे? पक्का है ना तुझे? डायमेंशन यूनिट के साथ बदलते हैं क्या? वेरी गुड, यूनिट डायमेंशन बढ़िया से पढ़ा तुम लोगों ने बचपन में, है ना। चल, डेंसिटी की बात हो गई तो अब बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के। लिख लो, हेडिंग डाल लो, रिलेटिव डेंसिटी। लिखो इसमें, इट इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी में इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 degree centigrade। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 degree centigrade। मतलब पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 पे, तो पता है ना? तो जो पानी की डेंसिटी अपन लोग ले रहे हैं वो 4 degree centigrade पे ही बात करेंगे। तो अपन रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, आर डी इज इक्वल टू, बोलो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एट 4 degree centigrade। सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ये नहीं पता वैल्यू? डेंसिटी ऑफ वाटर जो अपन लोग लिखते हैं, सुन लो इधर, ये होती है 1 gram per cubic centimeter। ये कौन सी यूनिट हो गई? CGS। अब यही अगर मैं तुम्हें बोलता कि इसे SI में लिखो तो 1000 kg per meter cube, ये आपकी कौन सी यूनिट आ गई? SI यूनिट। अभी जानते हो ना, 1000 kg per meter cube, या फिर क्या बोलो, 1 gram per cubic centimeter। समझ गए? इसी रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग प्यार से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। समझ गए? तो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ना लिख के स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे तो क्या समझ जाओगे वो यही है? Yes, समझ रहे हो ना? Yes, लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक तो सर्दी की जगह चलो पसीने आ रहे हैं, पंखे चलाएं क्या? Yes, यार पंखा चलाओ ना यार, एसी वेसी नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता है, लिखा आपने, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इट इज अ प्योर रेशो, एंड इट इज अ प्योर रेशो। क्या ये रेशो है? तो यूनिटलेस होगा क्या? डायमेंशनलेस भी होगा क्या? इट इज अ प्योर रेशो हैविंग नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और कोई यूनिट भी नहीं है। समझ गए? अब सोच एक बार, अगर मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ अपने को सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, सब कुछ किसमें दिया हुआ है, तो क्या रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर होती होगी? मैंने बोला एवरीथिंग इज गिवन इन सीजीएस, तो नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है तो मैं सीधे नहीं बोल सकता कि रिलेटिव डेंसिटी और सब्सटेंस की डेंसिटी सेम है। पक्का? तो लिख लो स्टार बनाकर, If all data is given in CGS, if all data is given in CGS units, if all data is given in CGS units, then we can say that, then we can say that, then we can say that relative density is equal to the density of the substance, then we can say that relative density is equal to the density of the substance. ठीक है? Relative density और substance की density दोनों क्या होते हैं? Same हो जाते हैं। सबको clear है बात? समझ में आई है बात?
चलो इसके बाद में लिखिए, हेडिंग डालेंगे सब लोग छोटी सी एक और, ये रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गई, फिर अपन लोग मिक्सर की डेंसिटी की बात करते हैं। तो लिख लिए डेंसिटी ऑफ अ मिक्सर, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, ठीक है, मिक्सर डेंसिटी। और जब मिक्सर डेंसिटी की बात की तो क्या बात आई, सुनो दो केसेस बने। एक केस क्या बना, जब अपने को रो वन एम वन का एक लिक्विड दे रखा था और एक लिक्विड कितने का दे रखा था, रो टू एम, ठीक है, मतलब एक लिक्विड की डेंसिटी रो वन मास एम वन, दूसरे की रो टू और मास M2। इसको नाम दे दिया अपन ने लिक्विड वन, और इसको क्या नाम दे दिया, और इन दोनों को मिलाया तो मिक्सर आएगा। उस मिक्सर की डेंसिटी क्या आएगी इसके बारे में पूछा, वो मिक्सर की डेंसिटी क्या थी, रो मिक्सर, क्या बेटा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या कर लेंगे अपन, टोटल मास अपॉन, तो ये जो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम आया ना अपने पास, इसको लिखना था। अब बोल तेरे पास में वॉल्यूम था क्या अलग से, नहीं था ना, पर तेरे को पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन मास, पक्का। देखो बेटा जिसको नहीं आ रहा, डेंसिटी इज मास अपॉन, तो वी ऊपर रो क्या आया, सोच रहे थे ना, तो टोटल मास बोल m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2, बोला आएगा कि नहीं। अब इसमें एक स्पेशल केस, अगर m1 m2 बराबर हो जाएं, बोल क्या आएगा, जल्दी बोलो, अप्लाई है स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या अप्लाई किया, m1 इज इक्वल टू m2, बोल आंसर, M1 M2 में आंसर दे रहा है, देखो तो सही यार, ये ले 2M, तुम रहन दो, यही बोल रहे थे ना, रहने दो बेटा, मैं ही गलत सुन रहा था, ठीक है, आई एम सॉरी, लो लिख लो, इट्स ओके, ओके। साफ पालो, चलो इस बार वॉल्यूम दिए हुए हैं रो वन वी वन और रो टू वी टू वाले दो लिक्विड, ठीक है, ये आपका लिक्विड वन, ये आपका लिक्विड टू, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सर, निकालो। और इसमें क्या केस ले लोगे, वी वन इक्वल्स टू वी टू वाला, बताओ क्या आ रहा है, खुद से करो, चलो आए इधर आओ, इस बार रो कैसे लिखोगे बोल, रो वन वी वन प्लस, भाई लिखना तो वही है ना, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास रो वन वी वन, पक्का डिराइव करूं, अपॉन कितना, वी वन प्लस। अब इसका स्पेशल केस क्या बना लोगे, V1 is equal to V2. V2. जैसे ही आपने V1 V2 को V के बराबर किया तो हमारे पास में रो मिक्सर क्या आ गया, सीधा आंसर आएगा, देखो रो वन प्लस रो टू बाय V, तो कट गया ना बेटा, कॉमन कॉमन लो, कॉमन कॉमन लोगे तो V निवट जाएगा, डायमेंशन माय गॉड सी है, बारी बारी बातें कर रहे हैं आज तो लोग, डायमेंशन सर, डायमेंशन सर, चलो आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी डेंसिटी की कहानी खत्म है ना, लेट्स मूव ऑन टू प्रेशर। प्रेशर बेटा वही
प्रेशर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तुम्हें पता है प्रेशर क्या? प्रेशर मेरे को येलो चौक से लिखना चाहिए था. चलो चलो इधर आओ. प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसी याद कर रहे हैं. देखो प्रेशर नहीं है तो भी दिक्कत, और प्रेशर आए ज्यादा जोर से आए तो भी दिक्कत. मतलब ज्यादा अच्छे से आए तो भी दिक्कत नहीं है. मतलब अच्छे से आना चाहिए प्रेशर भाई साहब, है ना. अरे यार प्रेशर अच्छे से आना चाहिए, मतलब अच्छे से आना चाहिए. हाँ प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो वाली बात कर रहा हूँ, है ना. तुम हमेशा गलत रास्ता पकड़ो. हाँ मेरे साथ ही हो तो देख अपन ने क्या किया. कहीं पर पानी भरा हुआ था. अरे इधर देख, काम की बात. इधर देख, एक अपन ने क्या किया, पानी की एक पतली सी पट्टी ले ली, ठीक है. और इस पानी की पट्टी के लिए अपन लोगों ने फोर्स लगाना चालू की, जो इस पे साइड की सरफेसेस से लग रही होगी. ध्यान से देखना, बात नहीं. ये जो पानी की पट्टी आप लोग देख रहे हो ना, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस. कैसा सरफेस है ये? इमेजिनरी सरफेस है, जो हमेशा किस पे रहता है बेटा? रेस्ट पे. किस पे रहता है? और इसका एरिया मान लिया मैंने dA. क्या एरिया मान लिया? यहां से जो फोर्स लग रही थी उसकी वैल्यू क्या थी? dF. यहां से भी जो लग रही थी क्या वैल्यू थी? dF. ये पीछे है ना, तो वो नजर नहीं आ रहा, वो दोनों तरफ से, समझ गए? दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगी, तभी तो ये पार्ट रेस्ट पे रहता है, नहीं तो हर समय बहता नहीं रहेगा. तो इसने बोला बहने दे मुझे, बहने दे, पर साइडों में क्या हुआ? फोर्सेस लगी हुई थी, विच वर इक्वल एंड ऑपोजिट, और इसीलिए भाई साहब बह नहीं पाए. तो अपन लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, इसी फोर्स को हमने एक नई टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया, विच इज नोन एज प्रेशर. तो जब अपन लोग इसमें प्रेशर लिखने जाएंगे, तो प्रेशर हम लोग लिखेंगे df परपेंडिकुलर अपॉन dA. क्या लिखेंगे? df परपेंडिकुलर अपॉन dA, क्योंकि ये फोर्स हमेशा कैसे एक्ट कर रही होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, समझ गए? अगर मान लो फोर्स जो है उसका मेरे को आरा तिरछा कुछ दिख रहा है, तो मेरे को हमेशा क्या करना होगा? फोर्स का वो कंपोनेंट करना होगा जो एरिया से क्या है? परपेंडिकुलर. क्या मेरी बात क्लियर है? डायग्राम बना लो और नोट करो. प्लीज नोट. चलो लिखो, बालिया हो गए तो इसमें क्या है? लिखो. लिखें, चलो. द फ्लूइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फिल्म, फिल्म मतलब ये इमेजिनरी सरफेस है ना. द फ्लूइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, तुम तो इमेजिनरी सरफेस ही लिख दो, फिल्म का मतलब तुम्हें पिक्चर ही समझ आती है. द फ्लूइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इमेजिनरी सरफेस, द फ्लूइड ऑन बोथ साइड्स, the fluid on both sides of the imaginary surface exerts equal and opposite forces, exerts equal and opposite forces to keep the fluid at rest, to keep the fluid at rest. ठीक है, और यहीं से अपन ने क्या define कर दिया? Pressure. ठीक है ना. अब मान लो, अच्छा ये अपन लोग कैसे सरफेस की बात कर रहे हैं जिसका एरिया क्या है? डीए. एक छोटी सी सरफेस ले रहे हैं, और अगर मान ले प्रेशर कांस्टेंट मान लू, प्रेशर क्या मान लू, तो क्या हो जाएगा? तो लिख लो, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, देन बोलो प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया. एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया.
ठीक है, अगर सभी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक। अच्छा यूनिट बोलो, यूनिट क्या क्या होती है, पास्कल और न्यूटन पर, ये तो ऐसा यूनिट है। इसके अलावा बोल, बार होती है और क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है, क्यों टॉर वगैरह भी होती है ना, तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक। अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, वैसे एटमॉस्फेयर बार के कन्वर्जन पता होने चाहिए पास्कल में। तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 1.01 × 10⁵ पा। फोर्स है ना, बहुत जोरदार चीज होती है, पता है तुम्हें। देख एक चीज देख, बहुत जोरदार चीज, एफ बराबर क्या लिखूं अपा, और एफ बराबर क्या लिखते हैं अपन, मा। तो बहुत जोरदार चीज है ना, फोर्स इज ऑल्सो पा, फोर्स इज ऑल्सो, फोर्स ही सब कुछ है, फोर्स ही हमारे क्या है, माता पिता है। कहीं वो तो समझ ही नहीं आए मापा क्या लिखा हुआ, छोड़ो मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। F बराबर पावर, F बराबर दोनों है, तो बोल यूनिट क्या क्या हो गई। अच्छा कन्वर्जन फैक्टर पता है, ऐसे ही 10 की पावर 5 बार जो है वो क्या बनाते हैं, एक पास्कल। उल्टा बोला क्या मैंने, मैंने उल्टा बोला क्या, हाँ मैंने उल्टा ही तो बोला, 10 की पावर 5 पास्कल क्या बनाते हैं, एक बार। तो लिख लो 1 बार इज 10 की पावर 5 पास्कल, एक बार, एक ही बार लिखना है बेटा, दो बार क्यों लिखेगा, बार 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 मत लिखो, बार बार बस देखो। पिक्चर देखी थी क्या तुमने, वो बेकार थी, मैंने तो देखी ही नहीं, मैंने तो देखी नहीं। चलो अब लिखो, इसमें स्टार बना के लिखो, एफ परपेंडिकुलर इज द, मेक अ स्टार एंड राइट, F perpendicular is the component of force. F perpendicular is the component of force. Perpendicular to the motor. F perpendicular is the component of force perpendicular to the surface in contact. Perpendicular to the surface in contact. ठीक है? Next. Next एक और सितारा बनाओ और लिखो. If I am known to, if I am known to force and area, if I am known to force and area, then I will always, if I am known to force and area, then I will always make two components of force, and I will always make two components of force in which one will be perpendicular, in which one will be perpendicular and other parallel, in which one will be perpendicular and other parallel to the surface, and other parallel to the surface, full stop. Then pressure will be given by, then pressure will be given by, और दोबारा से ये वाला फॉर्मूला, F perpendicular upon A, F perpendicular upon A, ठीक है। अच्छा बता pressure scalar या vector, scalar vector, confirm है ना, लिख लेना, it is a scalar quantity. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रहे हमेशा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ फ्लूड इज इन कॉन्टैक्ट, इफ अ फ्लूड इज इन कॉन्टैक्ट विद एनी सॉलिड सरफेस, इफ अ फ्लूड इज इन कॉन्टैक्ट विद एनी सॉलिड सरफेस, देन इट एक्सर्ट्स, then it exerts a force, then it exerts a force normal to the surface,
then it exerts a force normal to that surface due to fluid pressure. फ्लूड प्रेशर के कारण एक फोर्स हमेशा लगती है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे मान लो ये अपना कंटेनर है, अब ये कंटेनर में मान लो क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है भाई साहब? पानी भरा हुआ है। तो जो यहां पे कांटेक्ट है तो ये नॉर्मल टू द सरफेस एक फोर्स लगाएगा, यहां कांटेक्ट है नॉर्मल टू द सरफेस एक फोर्स लगेगी, यहां कांटेक्ट है नॉर्मल टू द सरफेस एक फोर्स लगेगी। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? पक्का बना लो डायग्राम, यही पॉइंट लिखा है। ये सब पॉइंट्स लिख लो, इन सब पॉइंट्स में भी लोग क्या गलती कर जाते हैं, इसीलिए लिखवा रहा हूं यार, है ना। ये मत सोचना कि ये क्या थ्योरी चल रहा है, पीपल टेंड टू मेक मिस्टेक इन दिस ऑल्सो। फोर्स की डायरेक्शन पूछता है वो भी गलत लगा के आ जाते हैं लोग। अच्छा यहां नेट निकालने लग जाते हैं, ये दोनों का कॉम्पोनेंट है पता नहीं क्या, सीधे सीधे में नेट निकाल लेते हैं। कोने की बात की, लग रहा है अब देख, ऐसी अभी कोई सर्दी तो है नहीं, अब टोपी लगा के बैठा है तो कुछ तो ऐसा बोलेगा ना, माथा तो गर्म हो रहा होगा। बालों का क्या है, मतलब बालों से कोई फर्क पड़ता है? मैं लगाता हूं टोपी। If the weight of the fluid is negligible, बालों की उड़ा देते हो यार तुम, मेरे को दर्द दे देते हो रोज के रोज, एक ना एक बार। हैं? अरे लगवाना, बाल ही तो हैं, ठीक है, अच्छा है ना। आए चलो चलो बालों की आते। If the weight of the fluid is negligible, then the pressure in a fluid is same throughout its volume. Then the pressure in the fluid is same throughout its volume. Then the pressure in the fluid is same throughout its volume. Then the pressure in the fluid is same throughout its volume. लिखा सबने? बहुत अच्छे। Next heading डालेंगे सब लोग, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए? प्रेशर ड्यू टू वैल्यू पता है तुम्हें क्या होती है? कोई बात पता है? अपन बेसिकली है ना कंटेनर वगैरह में जो किसी एच हाइट पर प्रेशर होगा उसकी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये बढ़िया अपना कंटेनर है, ठीक, लेट्स से कंटेनर एच हाइट तक बढ़िया भरा हुआ था। ए वो पॉइंट था जहां पर अपन को प्रेशर बताना था, दिस इज पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट है? और कंटेनर का क्रॉस सेक्शन अपने को दे दिया एस, एस इज व्हाट? क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा जानते हो ना, ठीक है। अब एक चीज बता, सारा अगर मैं पूरे लिक्विड को कंसिडर कर लू, अरे बात नहीं, पूरे लिक्विड को कंसीडर कर लूं तो ए पॉइंट पर सारा मास आ गया, ऊपर से लेके नीचे तक सारा आ गया ना। अब तुम्हें प्रेशर लिखने को बोला, राइट द प्रेशर एट ए, राइट द प्रेशर एट ए, डिराइव करके दिखाओ तुम्हें, वो तो याद होगा तुम बचपन में पढ़ चुके होंगे। कैन यू डिराइव व्हाट इज द प्रेशर एट ए? क्या लिख गया प्रेशर? क्या एम जी? फोर्स अपॉन एरिया। अपने को तो हमेशा क्या लिखना है? अब फोर्स अपॉन एरिया अगर लिखूंगा तो फोर्स कितनी है और एरिया कितना है? एस। बोलो है कि नहीं? mg की वैल्यू, mg लिख के दिखाओ, डेंसिटी मान लो इसकी क्या दे रखी है? रो। डेंसिटी क्या दे रखी है? तो मास क्या होगा? रो वी, रो वी इंटू जी। अच्छा v की वैल्यू इस कंटेनर को देख जल्दी, h इंटू ए, सॉरी h इंटू एस, लेट्स पुट द वैल्यू। मास को अपन ने पहले क्या लिखा? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? एच इंटू एस। बोल है कि नहीं? तो हमने क्या लिखा? रो एच एस इंटू जी अपॉन एस, एस एस। अपने पास प्रेशर एट ए कितना आ गया? रो जी एच। जैसे तुम्हें याद करना पसंद हो वैसे याद कर लो, उसमें कहीं दिक्कत नहीं।
तुम रोहित जी याद करो या रोजी एच याद करो, अप टू यू। ठीक है, मेरे को रोजी एच अच्छा लगता है, मैं वो याद रखता हूँ। क्लियर है भाई? प्लीज नोट, रो इज वॉट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी। चलो लिखो, यहां तक हो गया। लिखिए सबसे पहले इसके अंदर जो H वगैरह अपने को लेना है वो सब कहां से लेना है, वो सब पॉइंट्स लिख लो। लिखो, H इज द हाइट टेकन फ्रॉम, H इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड, ऐसे लिखना, H इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम अबव A, H इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम अबव A, A के ऊपर। अगर A पॉइंट यहां ले लेता तो इसके ऊपर वाले नहीं, H by 2 नहीं, यहां ले लेता, ऐसे नहीं, H by 3, H by 2 वो सब तो अपन बाद में, मैं बोल रहा हूं A यहां से यहां ले जा तो नीचे वाली हाइट लूंगा कि ऊपर वाली, ऊपर वाली। और असली में पता है ना तुम्हें, अगर ये कंटेनर ऐसे खुला हुआ है तो यहां पर एक पी नॉट लग रहा होता है, ये पी नॉट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ये हमेशा एड कर रहा होता है, तो ये भी होता है। तो जब आप प्रेशर लिखते हो ना, प्रेशर एट ए, रियलिटी में एक खुले कंटेनर के लिए, किसके लिए, खुले कंटेनर के लिए, तो वी राइट पी एट ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ऐसे लिखा जाता है, वेयर दिस पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये रियलिटी है ना। अब यही बंद डब्बा कर दो तो अलग बात, खाली क्या लिख दो फिर, रोजी एच, है ना। लिखा सबने? चलो स्टार बनाओ और लिखो। तो पता नहीं क्या टाइम लगाते रहते हो तुम। लिखो, फ्लूड प्रेशर, फ्लूड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, फ्लूड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, फ्लूड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, फ्लूड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, फुल स्टॉप। इट इज सेम एट सेम लेवल्स, इट इज सेम एट सेम लेवल्स इन एनी कंटेनर, इट इज सेम एट सेम सेम लेवल्स इन एनी कंटेनर। किसी भी कंटेनर में सेम लेवल के ऊपर फ्लूड प्रेशर हमेशा कैसा रहता है, सेम सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अरे कंटेनर है तुम लोग भी बना लो, है ना, बहुत सुंदर सुंदर। देखो देखो, अच्छा सुन, चार तरह के कंटेनर थे अपने पास, मान ले यहां इस वाले लेवल पे क्या भरा हुआ था, सब में पानी भरा हुआ था, बना लो। लैब वगैरह में नहीं देखे क्या, ऐसे होते हैं उल्ट सुल्ट से कंटेनर, है ना, ऐसे नहीं होते। हाँ ठीक है, बस ऐसे नहीं होते, चलो बहुत बढ़िया, हाँ इससे बहुत सुंदर होते हैं, वेरी गुड। आओ अभी आ देखो, बनाया सबने, कोई बात नहीं। मान लो दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ये क्या है, पॉइंट डी। सबके अंदर हाइट देखो सेम है, अरे सब में हाइट देखिए,
जो ऊपर लिक्विड भरा हुआ है वो हाइट क्या है सब में, क्योंकि वो सारी हाइट सेम है। तो अभी अभी हमने क्या लिखा था, प्रेशर एट सेम लेवल्स इन एनी कंटेनर इज व्हाट, सेम। तो अगर कोई भी कंटेनर ले लो सेम लेवल के ऊपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, मतलब पी ए इज पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू, सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर इज सेम, और उसकी वैल्यू क्या होगी बोल, रो जी एच, वैल्यू क्या होगी प्लीज मेक इट। सेम लिक्विड है, लिक्विड कैसा है सेम है, तो सेम लिक्विड है, कंटेनर का चाहे शेप अगर बदल भी दो तो रो जी एच, अरे बात नहीं, तो जो रो जी एच की वैल्यू होगी वो तो सब में कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है ना, और सब अगर ऊपर से खुले हुए हैं तो सब में क्या पी नॉट ऐड हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अकाउंट में ले लो तो क्या पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा, बस यही वाली बात है। क्लियर है ना, ये लिख लिया, लिख लिया सबने बनाया, आओ देखो, आओ इसका आंसर बताना मेरे को क्या है। देख जैसे क्या हुआ, अपने को एक कंटेनर दिया अजीब सा, नीला नीला कंटेनर में सफेद सफेद पानी डाल रही आवारी, हाँ। अरे यार मैं भूल ही रहा था, हाँ चलो सुन, ये कैसा कंटेनर था, नहीं नहीं कैसा कंटेनर था, ऐसा ठीक है, ऑरेंज कैप वाला कंटेनर। सुन अब अपने को है ना इस वाले पॉइंट पे मान ले प्रेशर लिखना था, लेट्स से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की मेरे को यहां से हाइट दे रखी थी h1 और यहां से मेरे को हाइट दे रखी थी h2, व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, रो जी एच वन या रो जी एच टू, ये रो है, रो जी एच टू या रो जी एच वन, आर यू श्योर, पक्का पक्का, हाँ रो जी एच वन मत लेना, ये एच वन है, ये क्या है H1. आपको तो जहां से फ्लूड भरा हुआ है ना वहीं से पूरा नापना है, जहां से फ्लूड भरा हुआ है वहीं से नापते हुए आना है उस हाइट को, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू रो जी एच टू, सबको समझ आ गया, अगर ऊपर से खुला होगा तो क्या पी नॉट ऐड हो जाएगा, वो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पक्का है ना, ठीक आओ। अच्छा नोट कर रहे हो क्या, कह रहे हो तो करना ही है, उसमें क्या होगा, सफेद सफेद कंटेनर में ऑरेंज पानी को डाल रही बाबरे, संतरे का बोतल, ओके आओ चल, अरे इधर देखो बे, ध्यान से करना, कंपोनेंट सही करना बे तुम लोग, मुझे पता है तुम कंपोनेंट भी गलत कर डालते हो कई बार, चलो अरे 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 आंसर बोलो, प्रेशर एट ए बोल, 3/5 रो जी एल, पक्का, ये वाली हाइट एल है तो इसका ये कंपोनेंट कर लूं, ये क्या आ जाएगा, एल साइन 37 डिग्री, एल साइन 37 इज 3/5 है, तो अपना आंसर बोल, रो जी इंटू 3/5 एल, बोलो आया कि नहीं, वेरी गुड आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी क्या अपने को, हमेशा कर सकते हो, बहुत बढ़िया, तुम तो हो ही इंटेलिजेंट, पता था मेरे को, है ना, खुश हो गया ना, है क्या हुआ, वेरी गुड। चलो करें अगला, आओ अरे बातें मत करो,
ठीक है, पानी ऐसे हो गया भाई टेढ़ा। अरे तो उतना टेढ़ा नहीं कर रहे ना कि गिर जाए। बताओ दो बिल्ली इंक्लाइन से फिसली, पहले कौन सी गिरेगी? जिसकी म्यू कम होगी, है ना, जानते हो ना? ये नहीं फिसल रहा, इसका म्यू बहुत ज्यादा है। अरे तू शांत रह, तू बस ये देख, पानी में म्यू नहीं होता क्या? क्या यार, यार तू बचपन से ऐसा था, कोर्स करके आया है? है? क्या किया, कोर्स किया? है? चलो अच्छा, ये वाली हाइट मान लीजिए H1, ये वाली हाइट क्या मान लीजिए H2। Let's call this point as A and this point as B. Question लिखो, write down the question. टाइम हो गया, अभी बहुत टाइम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी माइनस पी ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी माइनस पी ए, पी बी माइनस पी ए इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रो जी एंड बी, रो जी एंड बी, मतलब डेंसिटी दे रखी है रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दे रखा है जी, तो रो जी और बी के टर्म्स में आपको पी बी माइनस पी ए निकालना है। बताओ जल्दी सर, मुश्किल सवाल है बहुत, पहले ही बता दो। नहीं नहीं करो, ट्राई तो करो। हाँ बेटा, पी नॉट लगा लेना, पी नॉट तो एंड में लिखना होता है ऐसे भी, ले पी नॉट ले, खुश है, खुला हुआ है तो लगा ले बेटा पी नॉट, अपने को कोई ऐसी टेंशन नहीं है, वो तो अपन जानते ही है क्या है, रोजी एच टू, मैं बोल रहा हूं बी की टर्म्स में लेना है, रो जी बी, हाँ खत्म हो गया। लगता मुश्किल है, होता नहीं है, नजर नहीं आया ना तुमको अभी तक? अरे इट इज वेरी इजी, रिश्ता वही है, सोच नहीं है, ध्यान से देख, ऐसा ही सवाल है ये, इस सवाल का रिश्ता नया कर दिया है, परंतु सोच अभी भी क्या है, सोचो, रिश्ता वही, जहां सोच वहां। रोजी भी साइन थीटा और क्या, नहीं हुआ। अच्छा पता है जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आके एक स्टूडेंट से, वो केवीपीआई का इंटरव्यू देने गया था, उसने पूछा था। है बता दिया ना, पर उसने क्या टाइम ज्यादा ले लिया, उसने टाइम उसके अंदर ज्यादा ले लिया यार, एकदम ऐसा लगता है ना कि यार ये कैसा सवाल पूछ लिया, और फिर सामने वो बैठे होते हैं वीरू सहस्त्र बुद्धि टाइप के सारे, इसलिए तो ये सवाल उससे पूछा था, है ना। चलो खैर जो भी है, अब अपने को पता लग गया है ना, चलिए ये हो गया बी, तो जल्दी से बोल करना कैसे था, मैं पता तो है यार, ये कॉम्पोनेंट ही तो निकालना है अपने को भाई, यहां पर प्रेशर क्या लगेगा, मान ली ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, कुछ वाई वन मान ली, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, कुछ y2 मान ली, अरे परपेंडिकुलर लेते हैं हाइट, ये रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन नहीं कर रहा मैं, समझ रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर दे रखी है क्या, ऊपर से ऐसे लेते हैं, ऐसे हाइट का कॉम्पोनेंट नहीं कर देते, अरे क्लियर है ना। हाँ तो b पर क्या लिखेगा, अगर ये वाली हाइट क्या है बेटा y2, तो रो जी y2, ए पर क्या लिखेगा रोजी, सबको नजर आ रहा है ना, ये देख सरफेस से ली गई है, देख लो जल्दी से, ये यहां भी नजर आ गया, ये कंटेनर का पार्ट नहीं बनाया है मैंने, ये हाइट ना भी है, ये वाई टू और ये, तो पी बी माइनस पी ए क्या लिख देगा, पी बी माइनस पी ए क्या वैल्यू आएगी, रोजी इंटू वाई टू माइनस वाई वन, अब कोई पी नॉट मत बोलना, वो कैंसिल हो गया, अब P नॉट मत बोलना कि सर P नॉट भी आएगा, क्या वो कट गया? Yes, चलो अब बता, मेरे को तो B के टर्म्स में देना था ना, तो डिफरेंस यही तो है,
तो बेसिकली y2 माइनस y1 क्या है, यही वाली हाइट तो है, ये हाइट क्या है, ये एंगल थीटा तो ये भी, और ये अगर थीटा तो ये कितना हो गया b sin थीटा y2 माइनस y1। तो अपना आंसर क्या आ गया, pb माइनस pa इज इक्वल टू b, सॉरी रो g b sin थीटा। देखो किसी को अगर ये कंपोनेंट वॉम्पोनेंट करने नहीं आते हो ना तो एनएलएम का वापस से रिवीजन कर लेना है ना, क्योंकि क्लास में मैं कंपोनेंट सब कर रहा हूं ना, तो पूछना मत कि सर ये कंपोनेंट किधर का किधर कर दिया। आना चाहिए कंपोनेंट वगैरह करना है ना। और हाइट हमेशा कैसे नापोगे, सरफेस से परपेंडिकुलर नीचे नाप सकते हो, आता है ना तुम्हें। चल यार आगे का फिर अगली क्लास में ही करेंगे, अब बैरोमीटर वगैरह चालू करेंगे ना, तो पूरा टॉपिक बना के ही करेंगे उसको अपन अलग। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय।